मुंबई के वर्ली और दादर इलाके में समाज सेवक मॉरिस नोरोना ने समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरे व गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरण की। दरअसल जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से लेकर अब तक समाज सेवक मॉरिस नोरोना ने मुंबई के 10 पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए सुरक्षा के तमाम सामग्री उपलब्ध करवाई है और इसके अलावा कई मीडिया कर्मियों और दूध विक्रेताओं को भी सुरक्षा किट व जरूरत की सामग्रियां वितरण की। मॉरिस नोरोना के अनुसार महाराष्ट्र में अब तक के करीब 2.5 लाख लोगों को वे अनाज व विभिन्न सामग्रियां पहुंचा चुके हैं। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता सूरज यादव के साथ शुभम कुमार की एक खास रिपोर्ट। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और इस समय आप यहाँ क्या करने आए हैं? सर, मॉरिस नोरोना। और सबसे पहले सर तो मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के वजह से आज 111 दिनों से सर मैं लोगों को सेवा पहुँचा चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो मदद किया है न्यूज़ को हर जगह पे पहुँचाने में, सर इसमें तो बहुत मदद हुआ लोगों तक सेवा पहुँचाने में। क्या क्या सेवा और महाराष्ट्र के किन किन जिलों तक पहुँचा है अभी तक? सर अभी 111 दिन से तो मैं मुंबई महाराष्ट्र में और नासिक, पूना, अहमदनगर, शिरडी, ये सब जगह पे सर राशन पहुंचाता हूँ। एंड राशन छोड़ के सर जितने भी हमारे पुलिस भाई लोग हैं, पत्रकार भाई लोग हैं या BHT के कर्मचारी है या एम्बुलेंस वाले लोग हैं, सर सबको मैं PPE किट्स, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, छाछ ये सब बांटता हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसी वजह आई कि आपके अंदर ये प्रेरणा आई और आपको रोड पे उतरना पड़ा? सर देखो, पिछले 16 साल से तो मैं वैसे भी लोगों को मदद करता हूँ सर, हमारे बाजू में जितने भी स्लम्स है मैं लोगों को मदद करता हूँ 16 साल से। पर सर अभी क्या हो गया कि जैसे ये लॉकडाउन अनाउंस हो गया, मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया मेघालय से, वो छुट्टी पे गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मॉरिस एक काम करो, 5-5 किलो सब राशन घर में भर दो क्योंकि मुंबई बंद होने वाला है। तो सर मेरे राशन भरने के बाद मैंने क्या रियलाइज़ किया कि मेरा तो राशन हो गया, अब मेरे मेड्स का और मेरे वॉचमैन का क्या होगा? तो सर सबका 10-10 किलो भर दिया। फिर रियलाइज़ किया कि मेरे बिल्डिंग में एल्डरली लोग है। फिर रियलाइज़ किया कि सर बहुत सारे लोग बॉम्बे में होगी जिनके पास राशन नहीं होगा। सर ऐसे ही करते करते सर आज पूरे मुंबई महाराष्ट्र में राशन बांट रहा हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे, जब आप लोगों तक पहुँचते हैं किस तरीके की समस्याएं दिखती है और क्या आनंद आपको मिलता है? सर देखो, आज समस्या है सिर्फ राशन नहीं है सर। सर राशन के साथ सर बहुत लोगों को वापस गाँव जाना था सर, वो उनको प्रॉब्लम था जिसमें थोड़ा बहुत मैं मदद कर पाया, ज़्यादा नहीं कर पाया। सर लोगों को आज बहुत तकलीफ है, जहाँ पे लोगों का इलेक्ट्रिक बिल का सवाल हो गया या फिर घर का भाड़ा भरने का सवाल हो गया सर, तो सर आज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है सर। क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम राजनेता, समाज सेवा और आम जनता को? सर देखो, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, फिर हमारे उद्धव ठाकरे साहब हो गए, सर आज ये रोज लोगों को मैसेज तो पहुँचा रहे कि घरों में रुको, घरों में रुको। पर सर मैं तो सिर्फ एक ही मैसेज मेरे तरफ से पहुँचाना चाहता हूँ हमारे MLA हो गए, MP हो गए, कॉपरेटर्स हो गए, उनको कि सर जो सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो सेवा नहीं कर रहे प्लीज़ बाहर निकल के सेवा करो। अगर कोई रीज़न से आपके पास नहीं है फंड्स जिसकी वजह से आप सेवा नहीं कर पा रहे हो, सर मुझे कॉल करो, मैं राशन लेके पहुंच जाता हूँ और कुछ लोगों को मदद करते सर जिनके पास नहीं है। आपसे मतलब कितनी गाड़ी लेकर के आप निकलते हैं प्रतिदिन? सर 3-4 गाड़ियाँ लेके निकलता हूँ और पूरा दिन सर हर जगह पे जहाँ पे भी कॉल्स और SMS आते हैं वहाँ पे राशन बांटता हूँ सर। ऐसे में आपका काफ़ी पैसा, करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, पैसे कहाँ से अरेंज हुए इतने सारे? सर देखो, मेरी कुछ सेविंग्स थी क्योंकि मेरा हाउसिंग लोन है जो मुझे चुकाना था और मैं यहाँ से माइग्रेट करके US जाने का सोच रहा था। सर ये पूरी सेविंग्स है जो मैंने बाहर निकाला और मैं क्या सोचता हूँ कि अगर ये पूरी सेविंग्स मैं एक मामूली इंसान बाहर निकाल के लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो सर हर एक इंसान 3-4 लोगों की अगर मदद कर दे तो सर ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा ना सर। ये तो मेरी सोच है सर।